हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल और ट्यूटोरियल स्टडी एंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है ये इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इस टॉपिक में दोस्तों लगभग 40 से 45 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो मेथड होंगे 40 से 45 प्रकार के मेथड होंगे। लेकिन इस वीडियो में लगभग हम 4 से 5 टाइप पे ही बात करेंगे, क्योंकि वीडियो दोस्तों ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, जिसके कारण से आप पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हो। तो दोस्तों हम परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। दोस्तों परसेंटेज हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति मतलब दोस्तों प्रति का निशान, ये हम कह सकते हैं प्रति का निशान ये होता है बटे। प्रति मतलब बटे, जैसे कि दो प्रति लगाएंगे तो ये वाला निशान आ जाएगा, बटे का निशान। प्रति सैकड़ा मतलब कि ये, इसको हम लिख सकते हैं 2/100। तो दोस्तों हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। मतलब कि प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर सदैव 100 होता है। कोई भी ले लो 21/100, इसका हर अगर 100 है तो ये प्रतिशत है। या किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम भाग करते हैं। जहाँ भी हमें परसेंटेज का चिन्ह मिलेगा फ्रेंड्स, ये परसेंटेज है। जब भी हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखो। जैसे कि ये चिन्ह है परसेंटेज है, इसको हम बताएंगे तो 20 लिखेंगे। जब ये चिन्ह हटाएंगे तो नीचे परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं तो 100 आ जाएगा। जैसे 40% है, अब इसको हमें हटाना है, इस निशान को हटाना है, तो 40 जब इसको हटाएंगे बटे का निशान लगाएंगे और नीचे लिख देंगे 100। तो ये दोस्तों ये इस तरीके से हम हटाते हैं। चलिए दोस्तों इसका टाइप नंबर 1 लेते हैं। परसेंटेज का टाइप नंबर 1 तो दोस्तों हमने टाइप नंबर 1 ले लिया है, तो टाइप नंबर 1 देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि परसेंटेज को भिन्न बदलने के आधार पर। दोस्तों परसेंटेज को भिन्न बदलने के आधार पर टाइप नंबर 1 है। तो इसमें हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25% लिखा है, ये लिखा है 75%, 125% परसेंटेज, 125% कोई भी ले लेते हैं हम, 200%। तो फ्रेंड्स हमने ये बोल रहा है कंडीशन नंबर 1 है, टाइप नंबर 1, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के आधार पर, यानी कि परसेंटेज को हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न में कैसे बदलते हैं दोस्तों, हमने बताया कि जब ये परसेंटेज, जैसे हमने लिख लिया 25% का निशान लगाया, अब जब ये परसेंटेज का निशान हटाना है तो दोस्तों क्या करेंगे, ये जब इसको लिखा 25, जब दोस्तों ये परसेंटेज का निशान हटाते हैं तो सीधा बटे के लिए लाइन खींचेंगे और परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 25/100। 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो इसकी भिन्न हो गई हमारी 1/4, ये आंसर। सेकेंड देख लेते हैं हम फ्रेंड्स। अब जैसे ये परसेंटेज है तो 75 लिख लिया, परसेंटेज का निशान लगा लिया 75, बटे के लिए एक लाइन खींचेंगे बटे में, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे भाग कितने से करेंगे, 100 से। अब बड़ी से बड़ी संख्या से दोस्तों काटते हैं जितना संभव हो सके। तो दोस्तों देखिए 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौक 100, तो ये हमारा हो गया 3/4, ये आंसर। दोस्तों हम ले लेते हैं 125 परसेंटेज लाए, अब हम लिखेंगे 125 और इस परसेंटेज के निशान को हटाना है तो डिवाइड कितने से करते हैं, भाग कर देते हैं, जब ये निशान हटता है तो नीचे भाग हो जाता है 100 से, इसको काटेंगे 25 5 125 25 चौक 100, तो ये हो गया हमारा 5/4। आई होप आप समझ रहे होंगे, आप आसानी से कर पाओगे। टाइप नंबर फर्स्ट था ये, तो 200 परसेंटेज का निशान हट जाएगा, 100 आ जाएगा नीचे, 100 से ये आ गया 2। तो आई होप पहला आप मेथड समझ गए होंगे, पहला टाइप आप समझ गए होंगे, आप आसानी से पहला टाइप कर पाओगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स टाइप नंबर 2 देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 कैसे हैं, तो दोस्तों आपने टाइप नंबर 1 देखा, तो अब आप देखते हैं फ्रेंड्स टाइप नंबर 2 हम देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों, परसेंटेज दशमलव में बदलने पर। तो दोस्तों परसेंटेज को दशमलव में बदलने पर के आधार पर है ये। तो इसमें देखते हैं टाइप नंबर 2 में क्या होता है। तो टाइप नंबर 2 है, जैसे लिखा है दोस्तों
25%। तो दोस्तों जो 25% है इसे हमें दशमलव के रूप में चेंज करना है, दशमलव में। तो दोस्तों ये जो है 25 लिख लेंगे, हमने बताया इसका जब निशान हटता है परसेंटेज का तो बटे में आ जाता है 100, और जब बटे में 100 आ जाएगा तो दोस्तों इसमें दशमलव लगाना है। दशमलव दोस्तों कैसे लगाते हैं, जब भी कोई अंक जैसे कि इसमें अब दशमलव लगाना है तो दशमलव लगाने का सर ईजी मेथड होता है फ्रेंड्स, हमने लिख लिया 25, और दोस्तों ये गिनना होता है कितने जीरो है, नीचे कितने जीरो है उतना ही ये आगे चलता है, इस तरीके से दशमलव चलता है, मतलब कि दशमलव इस दिशा में चलेगा। तो दशमलव इस दिशा में चलेगा तो क्या करेंगे हम, तो हम गिनेंगे जीरो कितने, एक और एक जो दो जीरो है, तो दो जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब दो अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो हमने लिखा 25, एक और एक दो, ये तो दो अंक के बाद दशमलव लग गया, हमारा ये आंसर आ गया। हमेशा जब दशमलव हटाएंगे तो इस दिशा में हमें चलना है। 25 ले लिया, 75%, 125%, सबको हम बदल देंगे फ्रेंड्स, दिन में सबको बदल देंगे। जीरो 625% और 300%, इसको दोस्तों सबको हमें भिन्न में बदलना है, मतलब कि दशमलव में आंसर आना चाहिए हमारा, दशमलव में बदलना है। तो हम लिख लेंगे फ्रेंड्स 75, बटे में क्या आ जाएगा 100, और जब दो अंक दो जीरो हैं तो दो अंक आगे आ जाएगा, एक दो अंक आगे, मतलब कि 0.75, दैट इज आंसर। ये समझ गए होंगे। अब लिखा है 125, जब ये निशान हटेगा तो दोस्तों नीचे 100 आ जाएगा। अब दो अंक गिनना है, एक और एक दो, मतलब कि आएगा 1, ये जैसे कि हमने लिखा 1.25, तो पीछे से जैसे दो अंक दो है जीरो, तो दो अंक पीछे से गिनेंगे, एक दो। दशमलव हमेशा दोस्तों पीछे से ही अंक गिन के लगता है। ये लिखा है 0.0625, लिख लिया सही। तो दोस्तों क्या है, इसको हमने लिख लिया है, अब क्या करेंगे इसमें दोस्तों, परसेंटेज का निशान लगाया है, तो इस परसेंटेज का निशान हटाने के लिए हम किससे भाग करते हैं, 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब दोस्तों हमारी बारी आती है परसेंटेज लगाने की, वो सॉरी दशमलव लगाने की। तो दशमलव कैसे लगाते हैं, हमने बोला है जितने भी अंक हैं दोस्तों, जितने भी अंक नीचे हैं उतने ही अंक दशमलव आगे खिसकेगा, किधर की साइड खिसकेगा, इस साइड में गिनेंगे हम। तो ये जो है पूरा संख्या है, लेकिन हमें इसमें दो अंक और खिसकाने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ये संख्या लिख लेते हैं 5260, दशमलव यहाँ पे है, लेकिन हमें दो अंक और खिसकाना है, तो हमारे पास दो जीरो और हो जाएंगे, ये चार अंक हैं, दो जीरो और एक, एक दो, यहाँ पे दशमलव लगेगा, दैट इज आंसर, ये हमारा आंसर है। दोस्तों 300 है, परसेंटेज का निशान हटाएंगे 100, इससे ये खत्म हो गया, ये आ गया 3%। तो दोस्तों आपको आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा, आप आसानी से इसे कर पाओगे, दशमलव को आप आसानी से हटा पाओगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं टाइप नंबर थ्री में क्या है, उस टॉपिक पे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पहले समझा टाइप नंबर टू, अब हम समझेंगे फ्रेंड्स टाइप नंबर थ्री। तो टाइप नंबर थ्री में फ्रेंड्स क्या है कि टाइप नंबर थ्री भिन्न को परसेंटेज में बदलने के आधार पर। तो दोस्तों भिन्न जब होगी तो हम उसे परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे कि जब भी हमें भिन्न मिलेगा तो हम उसे परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो भिन्न को हम परसेंटेज में बदलने के आधार पर देख लेते हैं। दोस्तों हम ले लेते हैं एक, दोस्तों नोट्स लिख लेते हैं, नोट लिखा देते हैं दोस्तों नोट। इस नोट में दोस्तों ये लिखना है, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं फ्रेंड्स, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। हमने क्या नोट लिखा है फ्रेंड्स कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों कोई आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाएगी, भिन्न में कोई वैल्यू मिल जाएगी, उसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हमें वहां पे 100 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों देख लिया जाए
एक बटे दो है, तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे एक बटे दो गुणे 100, ये हो जाएगा 2/50, यानी कि 50%। दोस्तों एक और बात समझते हैं, जैसे ही ये लिखा था एक बटे दो, एक और बात लिख लेते हैं, भिन्न में हर सदैव 100% होता है यदि बात परसेंटेज की जा रही हो तो। फ्रेंड्स अभी व्हाइट बोर्ड पे राइटिंग ठीक नहीं आती है, लेकिन कुछ दिनों में राइटिंग भी ठीक आने लगेगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपको दोस्तों, समझ में आएगा मैं बोल दे रहा हूँ। तो एक और बात दोस्तों ये है कि भिन्न में हर सदैव 100% होता है यदि बात दोस्तों परसेंटेज की जा रही हो। दोस्तों यदि कोई भिन्न है और वहाँ परसेंटेज की बात अगर आपसे की जाए या पूछा जाए, तो हमेशा भिन्न का जो हर होगा वो हमेशा 100% है। तो दोस्तों देख लेते हैं, जब ये 100% है, दो जब 100% है तो एक कितना होगा, तो दोस्तों जाहिर सी बात है एक 50% होगा, दैट मींस आंसर ये और ये। तो दोस्तों हम आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको हमने ये भी बता दिया कि भिन्न को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, और भिन्न में हर सदैव 100% होता है यदि बात परसेंटेज की जा रही है तो। दोस्तों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे 3/4 है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करना होगा, 3/4 गुणा करते हैं, किससे हमने करते हैं गुणा, 100 से करते हैं तो 100 का कर दिया यहाँ पे, 4 से 25 तो ये हो गया 75, दैट मींस आंसर। तो दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे, कितना कोई कठिन नहीं है। 2/5 इसको हम परसेंटेज बदलना है, तो क्या करेंगे, 2/5 गुणे 100, 20/40% ये देखिए दोस्तों। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 4/5 को हमें बदलना है हमें परसेंटेज में, तो 4/5 × 100 दोस्तों देखिए, इससे इसको काटेंगे 20, तो 80%। तो आप दोस्तों समझ रहे होंगे कि कैसे किस तरीके से हम भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये टाइप नंबर 3 था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। तो दोस्तों आपने टाइप नंबर 3 समझा सीखा, अब हम दोस्तों परसेंटेज के टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। परसेंटेज का टाइप नंबर 4 कहता है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलने के आधार पर ये क्वेश्चन होगा, मतलब दशमलव को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, यदि दशमलव में कोई संख्या है तो उसे हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जब दशमलव में कोई संख्या है तो उसे परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे कि हमें कोई दे दे 0.15, तो इसे हमें परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या है, हमने आपको पॉइंट हटाना सिखा दिया है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे। कैसे हटाएंगे दोस्तों, जब ये पॉइंट हटेगा ऊपर से तो दशम नीचे हम एक लिख लेंगे, और जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतने ही नीचे जीरो लगा देंगे, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, पॉइंट हट गया, तो ये बन गया हमारा 15/100। और अभी हमने ये बताया था आपको, दशमलव जब भिन्न होती है, ये भिन्न बन गई ना, जब भिन्न को हम परसेंटेज बदलते हैं तो क्या बताया था दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि जब भिन्न को परसेंटेज बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो हम 100 से गुना कर दिया। तो दोस्तों आप देखोगे कि 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आ गया 15, तो ये 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको दे दिया जाए 0.25%, तो दोस्तों 0.25% है, इसको हमें बदलना है किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए सबसे पहले हमें भिन्न बनाना पड़ेगा, भिन्न कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसका लिख लिया हमने। अब
अब दशमलव का हमने क्या बताया, दशमलव कैसे हटाते हैं, ये ऊपर वाला हटा लिया, नीचे वाला लिख लिया, जितने अंक हैं ये जिनके नीचे जीरो उतने ही बढ़ा लेंगे, एक दो दो बढ़ा लिया। अब दोस्तों ये भिन्न बन गया, ये क्या बन गया हमारा 25/100। अब दोस्तों इस 25/100 ये बन गई भिन्न। अब इसे हमें बदलना है परसेंटेज में, तो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया परसेंटेज में बदलने के लिए सौ से क्या करते हैं गुणा, तो सौ से सौ कैंट सिलाओ, ये हो गया हमारा। तो ये भी आपको आई होप समझ में आया होगा। एक एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। हमने ले लिया 1.25। अब दोस्तों इसको हमें बदलना है परसेंटेज में, तो कैसे बदलेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, पहले भिन्न में। तो दोस्तों 1.25 लिखा। अब दोस्तों इस दशमलव को हटाना है, हमें ये दशमलव अच्छा नहीं लग रहा, इसे हमें हटाना है। तो दोस्तों कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए सबसे पहले डिवाइड का निशान लगाएंगे, एक लिख लेंगे, दशमलव जितने अंक के बाद है उतने ही जीरो लगा देंगे, एक दो, दशमलव का जितने अंक दो हैं तो दो जीरो लगा देंगे, ये हट गया। तो ये क्या हो गया हमारा 125 डिवाइड बाई 100। अब हमने क्या बताया कि फ्रेंड्स जब हम दशमलव को हटाते हैं, वो जब हमारा भिन्न में होता है और उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से। 100 से 100 कैंसिल आओ, 125%। आई होप आप समझ रहे होंगे ये भी, तो आपको दोस्तों अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों एक ले लेते हैं 0.75। अब दोस्तों इसका क्या है, 0.75 है, इसको भी हम क्या करेंगे, दशमलव जब हटाएंगे, ये दशमलव है इसको हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, और जब भिन्न बन गई, भिन्न को जब उसमें कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज के लिए, तो 100 से गुणा करके 100 से 100 कट गया, 75% आ गया। अब दोस्तों थोड़ा सा वैसे ले लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। लिख लेते हैं 0.0 का यहाँ निशान लगा लेते हैं 25, ये अंक है। अब इसे दोस्तों हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, इसको हम साधारण संख्या मतलब साधारण भिन्न में बना लेते हैं। तो क्या करेंगे भिन्न बनाने के लिए, सबसे पहले 0.025 इस तरीके से लिखा और डिवाइड में कर लिया, और हम क्या करेंगे नीचे एक लिख लेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं वो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4 अंक है, तो 4 0 लगा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 0। अब ये हमारा साधारण भिन्न बन गया, तो ये क्या बन गया हमारा 25/1, 2, 3, 4, 0। अब क्या करेंगे, हमें बनाना है प्रतिशत, वो दशमलव में कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज। अब तो हम क्या करेंगे इसमें 100 का गुणा कर देंगे, अभी हमने बताया, तो ये से ये कर गया, बचा क्या 25/100, तो हमारा आ जाएगा पॉइंट, ये जो है ना, अब जब ये हटाएंगे दोस्तों, जीरो हटाएंगे तो पॉइंट क्या हमने बताया था, आगे इस तरफ चलते हैं, यूँ चलते हैं, दो जीरो हटाएंगे तो दो अंक आगे लगेंगे, 1 2 तो आएगा 25%। चलिए दोस्तों इसका शॉर्ट मेथड समझ लेते हैं, अगर आपसे कोई कह दें तो आपको क्या करना है, कोई भी संख्या है आपको, जैसे हमने दिया था फास्ट ट्रांजिशन का, इसका दोस्तों थोड़ा फास्ट देख लेते हैं, जैसे दोस्तों हमें मिला था 0.15%, तो इसको अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो डायरेक्ट हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 100 से गुणा कर देते हैं, हमने ये बताया था ना परसेंटेज में चेंज करने के लिए भिन्न है ये, तो जब 100 से गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे दोस्तों दशमलव इधर खिसकेगा, गुणे में जब भाग करते हैं तो दशमलव इधर खिस, जब दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, जब डिवाइड करते हैं दशमलव इधर जाएगा, जब गुणा करेंगे तो दशमलव इधर जाएगा, तो अभी हम दोस्तों गुणा कर रहे हैं तो दशमलव क्या है इधर जाएगा, कितने अंक है 1 2, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा।
0.25, तो इसको हमें इसको कन्वर्ट करना है कितने परसेंटेज में, तो इसको डायरेक्ट हम 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे। अब दशमलव को दोस्तों हटाना है, मतलब कि कहाँ पे जाएगा, तो दोस्तों जितने भी जब भी गुणा करेंगे तो दशमलव इस दिशा में चलता है, इस दिशा में चलता है, कैसे चलेगा, जितने जीरो हैं दोस्तों जितने अंक हैं तो इसे गिन लेंगे, एक दो, तो दो अंक इधर चलेगा, तो जाएगा 2.25.0, मतलब कि 25, ये हमारा आंसर है दोस्तों। यदि होता दशमलव 25, अब इसे दोस्तों हमें कन्वर्ट करना होता, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए, ये परसेंटेज है, इसे परसेंटेज में बदलना है दोस्तों, क्या करेंगे, इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे, कैसे, इस दशमलव को हटाना है, और तो हम ऐसे साधारण लिख लेंगे 0.0025 डिवाइड बाई, सॉरी डायरेक्ट हम 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों जब हम 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव किधर जाएगा, इधर जाएगा, कितने अंक जाएगा दोस्तों, उतने अंक जाएगा जितने जीरो हैं, तो दोस्तों एक और एक दो अंक, तो यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो हो जाएगा ये आंसर है। दशमलव 25 25। इसको दोस्तों हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटाएंगे दोस्तों, कैसे हटाएंगे, दशमलव को हटाना नहीं दोस्तों, डायरेक्ट हमें इसको जब हटाएंगे दशमलव को हटाने के लिए, मतलब परसेंटेज में बदलेंगे दोस्तों, तो हमेशा हम 100 का गुणा कर देंगे, तो दोस्तों इसी में डायरेक्ट हम 100 का गुणा कर रहे हैं, तो जब 100 का गुणा करेंगे तो दो अंक इधर खिसक सकता है, तो हो जाएगा 25.25%, जैसे ये दशमलव है दोस्तों, ये दो अंक खिसकेगा तो यहाँ पे लग जाएगा, तो आप समझ गए होंगे इसको परसेंटेज में चेंज करना, तो दोस्तों इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें 35.82 को परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, जब 100 से गुणा करेंगे दशमलव दो अंक खिसकेगा, क्योंकि दो जीरो हैं, तो दो अंक और खिसकेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 35.82.0, ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये दोस्तों आप परसेंटेज का टॉपिक नंबर और टाइप नंबर 4 समझ गए होंगे, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं टाइप नंबर 5 को देखते हैं, टाइप नंबर 5 में क्या है, ये दोस्तों बेसिक्स क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों आप परसेंटेज आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा यदि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनको आप हल्के में मत लीजिए, और आपका परसेंटेज का टॉपिक इतना मजबूत हो जाएगा, आप देखते ही आंसर मारेंगे, देखते ही पेपर में सॉल्व कर पाएंगे इतना। तो दोस्तों हमने टाइप नंबर 4 तक जाना, तो दोस्तों अब टाइप नंबर 5 की बात कर लेते हैं, तो टाइप नंबर 5 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ से परसेंटेज हमारा बेसिक स्टार्ट होने लगा है, मतलब कि क्वेश्चन का लेवल यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चंस का लेवल यहीं से पूछा जाता है पेपर में, तो दोस्तों ये जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट हो चुका है, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो टाइप नंबर 5 है हमारा है का के आधार पर, तो दोस्तों इसमें एक नोट लिख लेंगे, नोट क्या लिखेंगे, NOT, नोट दोस्तों, नोट की हिंदी होती है विशेष, विशेष विशेष बात क्या है, नोट में दोस्तों लिखेंगे जिससे तुलना करना हो, क्या लिखेंगे दोस्तों, जिससे तुलना करना हो, यदि दोस्तों आप परसेंटेज को हमारे द्वारा पढ़ाए गए परसेंटेज के टॉपिक को आप प्रत्येक वीडियो को आराम से वॉच करेंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे, तो आपके नोट्स दोस्तों ऐसे तैयार होंगे कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देने से पहले यदि उस नोट्स को देख के जाएंगे, तो दोस्तों गारंटी है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं जा सकता, 99% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में, इन्हीं टाइप्स में ही आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो मैं बता रहा हूँ उसकी नोट्स बनाते जाने हैं, और क्या होता है ये टाइम कम होने के कारण हम यहाँ पे आपको 2-4 सवाल बता पाते हैं, लेकिन उसी बेस पे आप घर पर कम से कम 2-3 घंटे उसी टाइप पे, एक टाइप पे अगर 2 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन मानिए आप दोस्तों आपका परसेंटेज, मतलब जो चैप्टर इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आप सेकंडों में आंसर देंगे।
तो दोस्तों आपको घर पे पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। नोट्स तो आपका ऐसा तैयार होगा, आप दोस्तों कहीं भी कोचिंग करते हो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों जो आपका नोट्स तैयार होगा उनसे कम नहीं होगा, आपका नोट उनके बराबर उनसे अच्छा ही तैयार होगा दोस्तों। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जाता, आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए। तो दोस्तों पॉइंट मैं बता देता हूँ, पॉइंट नंबर ये है नोट। तो दोस्तों नोट को मैं बता देता हूँ, नोट क्या है कि जिस संख्या से तुलना करना हो वह संख्या सदैव आधार मतलब अंश में रहती है, और जिस संख्या में का लगाओ वह सदैव हर में रहता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम समझेंगे, इस नोट को समझेंगे, इस पे आधारित क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसको समझेंगे। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, जैसे हमने लिख लिया क्वेश्चन 12 कार्ड का बारह साठ का कितने परसेंट है। यदि आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या करोगे, इसका दोस्तों मैंने नोट्स लिखा दिया है, बारह साठ का मतलब कि तुलना मतलब साठ का, तो जिस संख्या में का लगा होगा वह सदैव नीचे जाएगा हर में। देखिए जिस संख्या में का लगा हो वह सदैव हर में रहता है, ठीक है, और जिससे तुलना की जाए वो अंश में रहता है। तो बारह से तुलना साठ की जा रही है, तो बारह साठ का, तो ये का है तो ये हर में जाएगा। अब पूछा कितना परसेंटेज है, तो ये भिन्न बन गई दोस्तों। जब भिन्न बन गई है तो अब इसे हमें परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें पिछले उसमें बताया अभी आपको कि 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगा, 12 बन गए 60, तो ये आ गया हमारा 20%। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी पे हम थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक और सवाल ले लेते हैं फ्रेंड्स। सवाल है सवाल लिख लेते हैं, 12 साठ का कितना परसेंट है, यह हो गया है, ये लिख लेते हैं 12 घंटा 10 दिन का कितना परसेंट है। अगर आपसे ये पूछ ले 12 घंटा 10 दिन का कितना परसेंट है, तो दोस्तों क्या करेंगे हम, क्या करेंगे सबसे पहले का आया दिन, यानी कि ये भाग हमारा नीचे रहेगा ये ऊपर रहेगा, तो 12 लिख लिया, और ये 10 दिन है दोस्तों, ये घंटे में है, तो घंटे है, तो दोस्तों इसे भी हमें नीचे वाले को भी घंटे में बनाना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए दोस्तों, तुलना सदैव समान जाति में ही संभव होती है। यदि घंटा है तो घंटे में घंटा है, दोनों जगह पे घंटा होना चाहिए, यदि रुपए है तो रुपए होना चाहिए दोनों तरफ, यदि पैसे हैं तो पैसा होना चाहिए, मतलब तुलना समान जाति में ही संभव है, समान ही जुड़ेंगे, समान राशियां ही जुड़ती हैं। तो दोस्तों जब ये घंटा है तो इसको भी हम क्या करेंगे घंटे में बना लेंगे, तो घंटे में दोस्तों कैसे बनाएंगे, 10 दिन है, 10 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24, आपको अगर सर 24 घंटे होते हैं तो हम टोटल कर लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 10 दिन में हमारे पास घंटे निकल के आ गए 240 घंटे। तो हम इसका मतलब 10 दिन का ये घंटे में कन्वर्ट किया 240, तो 240 से कर लेंगे हम भाग। अब ये आ गई हमारे पास दोस्तों भिन्न, अब बन गए भिन्न, अब हमें करना है परसेंटेज में चेंज, तो क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं, तो 100 से जब गुणा करेंगे 12 दूनी 24 20 आ गया, 20 पंजे 100, ये आ गया हमारा 5%। तो दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे, तो दोस्तों मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ तो जगह बन जाएगी, फिर थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये पांचवा टाइप है दोस्तों, इस टाइप के बाद दोस्तों आपको कम से कम 40 से 45 टाइप हम देंगे परसेंटेज के, जिससे कि आपका क्वेश्चंस कहीं से भी बाहर ना जाए। और दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, और अपना मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि मैथ आप ये कहें पेपर के टाइम मैथ तो आता है और कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो
इस लेवल पे हम आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, 25 सेंटीमीटर चार मीटर का कितना परसेंट है। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 25 सेंटीमीटर चार मीटर का कितना परसेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि तुलना हमेशा वो समान जातियों में संभव है। तो दोस्तों ये हमारा सेंटीमीटर में और ये मीटर में। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम इसे सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो दोस्तों चार, एक एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, 100 होते हैं, 100 से कर लेंगे गुणा, तो दोस्तों हो जाएगा ये हमारा 400 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों हमने क्या बोला था, उसमें जिसमें का लगा होगा वो नीचे भिन्न बटे में जाएगा। तो इसको हर में लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर का कितना है दोस्तों, 400 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर बन गया, ये भी सेंटीमीटर बन गया, तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर। ये क्या बन गई दोस्तों, भिन्न। और हमने आपको क्या बताया, जब भिन्न को चेंज करेंगे दोस्तों तो क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे ये कट जाएगा, तो 4 से 25 में ये हो गया 25/4 आंसर। अगर हम दोस्तों इसको सही बटे में कन्वर्ट करें तो 4×24 सही 1/4 परसेंट। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी कर सकते हो, आई होप आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप वीडियो को देखते नहीं हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो को देखिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। जल्दी से जल्दी दोस्तों हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, तो हम भी आपको बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे। कंटेंट तो अभी भी बहुत अच्छा दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस एक और ले लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं 15.05 का, मतलब कि 0.15 का 0.75 का कितना परसेंट। आई होप दोस्तों इसको आप कर लोगे। मैं पूछूंगा ऐसा क्वेश्चन तो सर आपको क्या कहोगे, सर आपको कुछ नहीं करना, सर आप ये लिखिए 15 लिखिए, का लगाए तो नीचे दोस्तों सर आप बटे में लिख दीजिए, बटे में लिख दिया। अब दोस्तों ये भिन्न बन गया और समान जगह पर, मतलब कि समान अंकों के बाद दशमलव है, दूरी के बाद तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो ये भिन्न बन गया दोस्तों। फिर आप क्या दोस्तों, आप क्या करोगे, अब इसको बनाने के लिए 100 से गुणा कर दोगे, हमारा परसेंटेज निकला 15×75 और इसका आ जाएगा 5×100। तो आई होप आपको दोस्तों कैसी लगी क्लास, ये कैसे लगा क्लास। दोस्तों पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, कोई अगर प्रॉब्लम्स आती है कमेंट्स करिए, जहाँ पे मैं गलती करता हूँ पढ़ाने के तरीके में, कोई भी मिस्टेक आपको लगे तो कमेंट करिए फ्रेंड्स, मुझे बताइए, तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद।